हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीके क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू जीके क्लास केजी, सब्जेक्ट जीके एंड टॉपिक नेम इज बेडरूम। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बेडरूम, व्हाट इज बेडरूम? किड्स, आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो, अ बेडरूम इज प्लेस इन द हाउस दैट वी यूज टू स्लीप। बेडरूम एक ऐसा रूम होता है हमारे घर में जहाँ हम सोने के लिए जाते हैं या रेस्ट करने के लिए। पर बेडरूम में हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक एयर कंडीशनर, पेंटिंग, ड्रेसिंग टेबल, मिरर, अलार्म क्लॉक, कबर्ड एंड अदर थिंग ऑल्सो। किड्स, डू यू नो वॉट इज एयर कंडीशनर? एयर कंडीशनर इज अ मशीन विच कीप्स अस द एयर इन द रूम कूल एंड ड्राई। एयर कंडीशनर एक ऐसी मशीन है जिससे हमें ठंडी ठंडी हवा मिलती है। ओके, नेक्स्ट इज पेंटिंग। पेंटिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो हम अपने रूम में लगाते हैं जिससे हमारा रूम ब्यूटीफुल लगता है। ओके किड्स, सो नेक्स्ट इज ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बेडरूम। वी यूज द ड्रेसिंग टेबल टू गेट इट रेडी। हम ड्रेसिंग टेबल का यूज़ रेडी होने के लिए करते हैं। ओके किड्स, सो नेक्स्ट इज अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक हेल्प अस टू गेट अप अर्ली। अलार्म क्लॉक हमें सुबह जल्दी उठाने के काम आता है। ओके, नेक्स्ट इज मिरर। वी यूज मिरर टू सी आवर सेल्फ। मिरर का यूज हम अपने आप को देखने के लिए करते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। जब आप स्कूल के लिए रेडी होते हो तो आपको कैसे पता चलता है कि आप कैसे लग रहे हो? टेल मी किड्स। यस, मिरर से। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट इज कबर्ड। कबर्ड मीन्स अलमारी। कबर्ड का यूज हम अपने क्लॉथ्स यानि कि कपड़े रखने के लिए करते हैं। ओके किड्स, नेक्स्ट इज ड्रॉर। ड्रॉर का यूज हम अपने सामान रखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज बेड। वी यूज बेड फॉर स्लीप। हम बेड सोने के लिए यूज करते हैं। ओके किड्स, नेक्स्ट इज प्लो। प्लो मीन्स तकिया। वी यूज प्लो व्हेन वी स्लीप। जब हम सोते हैं तब हम प्लोस का यूज करते हैं। ओके किड्स, नेक्स्ट इज क्वाइल्ड मीन्स रजाई। वी यूज अ क्वाइल्ड वेन वी स्लीप। जब हम सोते हैं तब हम रजाई का यूज करते हैं। जब आपको ठंड लगती है तब आप किसका यूज करते हो? रजाई का। तो हम उसी को रजाई कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बेडशीट। बेडशीट मीन्स चादर। ओके, नेक्स्ट इज मैट। मैट मीन्स आसन। नेक्स्ट इज रग। रग मीन्स कालीन। ओके किड्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। प्लीज डू प्रैक्टिस एट होम एंड थैंक यू।